सैली रोड आशा पैलेस स्थित महामृत्युंजय मंदिर में महावीर जी की मूर्ति स्थापना की गई। इस मौके पर पंडित शिवशंकर पांडे जी ने बताया कि यह मूर्ति किसी भक्त द्वारा स्थापित करवाई गई है। इस मौके पर लंगर की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर राजू शर्मा, स्वतंत्र पांडे व शुभम गर्ग उपस्थित थे। खुशियां भरा दिन है कि सैली रोड के उत्ते सिल्वर स्टेट गली के महामृत्युंजय शिव मंदिर के साढ़े बहुत करीबी दोस्त भरा समझ लो जिन्होंने कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई है। उस उपलक्ष्य के पंडित शिव शंकर पांडे जी ने लगातार पांच दिन पांच पंडितों ने बैठ बैठ के यदि आराधना करके इन्हों जीवित करके प्राण प्रतिष्ठा करके अज इन्हों की स्थापना की है। और ये उपलक्ष्य के एक बजे अज लंगर है महला वासियों और शहर के लागे छागे जोड़े भी साढ़े सज्जन जोड़े इस मंदिर के नाल संबंधित ने जोड़े इतने मत्था टेकन आते हैं जो श्रद्धा रखते हैं उन्होंने सारे आमंत्रित किया जाता है कि वह एक बजे इतने लंगर के उत्ते आन और भगवान हनुमान जी जोड़े कि पंचमुखी वीर बजरंगी ने जिन्होंने संदूर चढ़ाया जाएगा वो इस प्रथा के शामिल हो। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय श्री राम। हम लोगों की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। आज यहाँ पर सैली रोड आशा पैलेस स्थित श्री महामृत्युंजय मंदिर में श्री हनुमान जी की मूर्ति के प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और किसी भक्त के द्वारा हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा करवाई गई है, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब राजू शर्मा जी और हम लोग हमारे पंडित जी लोग हैं शिवशंकर पांडे, शुभम गर्ग, रमेश चंद्र शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी, हम सभी लोग मिलकर के आज हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठा की है और आज जो है लंगर भी होगा 1 बजे। इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। सभी पठानकोट वासियों को हार्दिक नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। Dedicated Corona Ward, Experienced Staff, White Medical College, Bungal, near DLM Resort, Pathankot. Fastway Pathankot की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप Fastway News Pathankot के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।